हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक हो गया तुम लोग का यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम आ चुके हैं ऊटी, जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ के नज़ारे। ओए होए 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 होए, तो ये व्लॉग उसी के आगे का कंटिन्यू व्लॉग है। तो अभी हमें फाइनली ऊटी में बड़ा लंबा सफ़र करके हम आए हैं। तकरीबन हम 6 बजे निकले थे, नहीं 6 बजे भी नहीं, 5 बजे निकले थे और पहुँचे हैं 11:30-12 बजे। मतलब 6-7 घंटे का सफ़र, बहुत ख़तरनाक सफ़र था। अच्छा, और अब तुम लोग को मैं अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊंगा ऊटी के, जैसे तुम लोग देख सकते हो। पार्क का नाम है पता नहीं है, तो मामू मम्मी से पूछते क्या नाम है मामू इसका। बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन ऊटी। ऊटी फ्री में नहीं घूम रहा है, पैसे दे के आए हम। 50 रुपए पर पर्सन है और हमारे 8 लोग है, तो हिसाब लगा लो कितने हुए। 400 रुपए दे के आए हम इस पार्क में जी। अमीर लोग है हम लोग, पैसा ही पैसा हो गया। बिलो 10 के लिए 30 रुपए। और मामी कह रही है सलमान खान की मूवी की शूटिंग हुई थी। कौन सी मामी, कौन सी हुई थी शूटिंग? मैंने प्यार किया। देखो हमें सलमान से तो मतलब है नहीं। अबे साले, जब हमें सिर्फ शाहरुख से मतलब है। VRSR के मतलब है खान से। सिर्फ शाहरुख से मतलब है। नहीं नहीं, सलमान भी फेवरेट है, मगर शाहरुख की बात अलग है यार। ये पार्क का नाम है बोटैनिकल गार्डन, जैसे तुम लोग देख सकते हो। पूरा का पूरा ये गार्डन इन्होंने बनाया बड़ा शानदार तरीके से। और अभी हम जा रहे हैं अंदर, तुम लोग को खूबसूरत से फ्लावर दिखाएंगे और पसंद आया तो फिर इसी के लिए ले लेंगे। एहे, रहा नहीं जाता। देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे फ्लावर से, इतने सारे कि तुम लोग को क्या बताओ। ओए होए होए, इतने खूबसूरत खूबसूरत, एकदम मेरी तरह। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। देखो तुम कितने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर से इधर तरह के तुम लोग को यहाँ फ्लावर मिल जाएंगे। और अगर तुम लोग ऊटी आ रहे हो तो इस जगह पे जरूर आना। और टिकट के रेट तुम लोग को बता ही दिया है मैंने, और बहुत अच्छी जगह है। वैसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और कुछ टूटे मिलने को मिल जाए। उसके बाद देखो कितने खूबसूरत खूबसूरत है, तुम लोग देख सकते हो बहुत खूबसूरत फ्लावर है। तोड़ने को वैसे अलाव है नहीं, मगर हम तोड़ेंगे नहीं, रूल्स का पालन करना चाहिए। एक की हमारे किचन में पूरी चप्पल फंस चुकी है। ओए 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 ओए, और ये है हमारी दोया कि देख के नहीं चल रहे जी जी तुम है? पूरी चप्पल इन्होंने कीचड़ में निला डाली। अयो अम्मा। तो गाइस बहुत खूबसूरत ये पार्क है, माशाल्लाह इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। मेरे हिसाब से इन्होंने जो 50 रुपए ली है या कसम से बनता है। और ये मैं खा रहा हूँ अभी ऊटी का सेब, जैसे तुम लोग देख सकते हो। वैसे है ये बहुत छोटा, इतना मीठा मैं तुम लोग को बता नहीं सकता हूँ। तो रहन दो फिर। मजेदार मजेदार। ये देखो कैसे गंदे हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर। ओ भाई शर्म आया है। यो भाई क्या कर रहे हो? पानी डालना माँ। अरे रे, पौधों में पानी डालना चाहिए, क्या समझ रहा? नहीं मुझे, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये पार्क इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं चल चल के इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि वाइट लग गई है, मगर पार्क ख़त्म नहीं हो रहा। जैसे तुम लोग देख सकते हो इतने खूबसूरत खूबसूरत यहाँ नज़ारे हैं। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. यहाँ बहुत सारी चायों की फैक्ट्री है और चॉकलेट फैक्ट्री है, जैसे तुम लोग देख सकते हो। ये पूरी चॉकलेट फैक्ट्री है, यहाँ पे टी फैक्ट्री है। तो फटाफट अंदर जाते हैं और तुम लोग को ये चीज़ भी एक्सप्लोर करवाते हैं। तो गाइस हम फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं, तुम लोग व्यू चेक कर सकते हो यहाँ से, कितना शानदार व्यू आ रहा है। ओए होए होए, ये पूरा ऊटी है ऊटी। फटाफट अंदर जाते हैं, देखते हैं उन लोग ने ये बैन पिना बिना दिया था, हम लोग को पता नहीं इसके क्या काम है।
अंदर जाते फिर तुम लोग थोड़ी बहुत चीजें दिखाते फिर जाएंगे आगे। यहाँ पूरी चाय उड़ी की बनती है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये एक। वो तुम लोग नज़ारे चेक करो, इतने खूबसूरत खूबसूरत है ऊटी माशाल्लाह। फटाफट अंदर जाते हैं, चाय तो जिंदगी भर पी है मगर अब चाय ज़रा देखते हैं कैसे बनती है फैक्ट्री के अंदर। तरफ से मिली है ये चाय फ्री कॉम्प्लीमेंट, जितनी पी सकते हो पीलो। तो ये चाय का नाम मुझे मालूम नहीं क्या है मगर मैं तुम लोग को पी के एक रिव्यू दे देता हूँ फटाफट। मज़ेदार। तो ये थी ऑपरचुनिटी की फैक्ट्री जहाँ पूरे ऊटी के अंदर सप्लाई होती है। तो फटाफट अभी यहाँ से निकलते हैं चाय पी के, उसके बाद फिर तुम लोग को मिलता हूँ मैं बाहर डायरेक्ट। वो फिर आप आगे का क्या प्लान है आप देखते हैं, फिर तुम लोग को डायरेक्ट मिलता हूँ। एक्सपीरियंस बताओ तो इतना खास रहा नहीं क्योंकि मुझे तो फिजूल लगा जाना यार, क्योंकि कुछ मतलब ही नहीं, उन्होंने अंदर से तो कुछ दिखाया नहीं ठीक है, बस वो फ्री की चाय पिला दी और ये उसका मतलब क्या है, मतलब मेरे हिसाब से कुछ पूछा मैंने कुछ से वेस्ट ऑफ मनी वेस्ट ऑफ टाइम। अगर यहाँ आऊँ तो बिल्कुल भी मत जाना, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और इनका फटाफट निकालते हैं, फाड़ो जी इसको, फाड़ो जल्दी फाड़ो, उसके मुंह में डालूंगा। सारा मूड खराब कर दिया, मेरी मानो तो यहाँ बिल्कुल भी मत आना। Few inches later. और अभी हम आए ऊटी के बोट क्लब के अंदर, जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ के नज़ारे, ओए होए 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 होए। तो आज हम तकरीबन 4 से 5 जगह घूम चुके हैं, बड़ी खतरनाक खतरनाक। और बोटिंग वोटिंग करेंगे नहीं क्योंकि हमें बोटिंग से लगता है बहुत ज़्यादा डर। तुम लोग व्यू चेक कर सकते हो, कितना आला दर्जे का व्यू है, एक नंबर खतरनाक वाली। तो बोटिंग में करूंगा नहीं क्योंकि मुझे पानी से लगता है बहुत ज़्यादा डर। अच्छा तो सीन कुछ ये है, फाइनल डेस्टिनेशन था हमारा, अब हम यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट जाएंगे अपने घर मैसूर, और बहुत ज़्यादा थक गए। चैनल पर बने रहो, अभी आगे तुम लोग को और थोड़ी बहुत चीज़ें देखने मिलेगी और थोड़े बहुत। और बोट में मैं इसलिए नहीं बैठा क्योंकि मुझे लगता है पानी से थोड़ा सा डर, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बैठूंगा, बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। मेरा तुम लोग का जरूर दिल चाह रहा होगा कि बैठू बैठ बैठ बैठ, ठीक है, मगर मैं नहीं बैठूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। तो सीन कुछ ये है कि ये था हमारा लास्ट ऊटी का स्पॉट घूमने का, और अब हम यहाँ से निकल रहा है डायरेक्ट मैसूर के लिए, मतलब अपने घर के लिए, क्योंकि सुबह से निकले हुए हम 5 बजे से, जैसे तुम लोगों ने स्टार्टिंग में व्लॉग देखा होगा 5 बजे से उठे हैं और अभी बज रहा है 5 वापस, तो 10 घंटे हम लोग को हो चुके हैं। तो फटाफट अब निकलते हैं हम कार की तरफ और निकलते हैं अपने घर डेस्टिनेशन मैसूर की तरफ। ऊटी बहुत अच्छी प्लेस है घूमने के लिए, अगर तुम लोग बेंगलोर आ रहे हो मैसूर आ रहे हो तो एटलीस्ट एक बार ऊटी ज़रूर आना, यहाँ के हिल स्टेशन, यहाँ की पहाड़ी, यहाँ का खाना पीना सब एक नंबर है। तब तुम लोग से मुलाकात होगी डायरेक्ट मैसूर में। अल्लाह हाफिज़।